राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम रहने और शिक्षक की नियुक्ति नहीं होने पर राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने चिंता जताई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग होती है, लेकिन कतिपय कारणों से हमारे राज्य के विश्वविद्यालय इसमें पीछे रह जाते हैं। राज्यपाल शुक्रवार को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर रही थी। राज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 से पूरी दुनिया जूझ रही है। उन्होंने कहा हमारा देश भी इस चुनौती का सामना कर रहा है। आज हमारे शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। विवशता है कि हमारे शिक्षक और विद्यार्थी घर पर हैं। ऐसे में ई लर्निंग के जरिए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना सुखद है, पर विडंबना है कि झारखंड जैसे प्रांत में यह उतना सार्थक नहीं हो पाया। बहुत से विद्यार्थी पिछड़े और सुदूरवर्ती इलाके में रहते हैं जहाँ उन्हें यह सुविधाएं नहीं मिलती। फिर भी हमारी कोशिश है कि तकनीक के माध्यम से हम विद्यार्थियों को शिक्षा दें। राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लगभग 80% पद रिक्त हैं। मौजूदा समय में यहां शिक्षक छात्र का अनुपात 0:1:7:3 का है। राज्य के विश्वविद्यालय में वर्ष 2008 के बाद से शिक्षक नियुक्ति नहीं हुई है। जेपीएससी ने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 70, रीडर के 162 और व्याख्याता के 1,118 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। बिला वाले घरों को रोशन तो करते हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। लोगों के घर में झांक ना छोड़िए मखीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले, शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस, मिस्ड कॉल दें 8050480504 पे। वाह,